हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट कंट्री पुर्तगाल की। मैं पुर्तगाल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूँ। आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा पुर्तगाल में सेटल होने का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं D7 वीजा की। D7 वीजा ऐसे लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है या ऐसे लोग जिनके पास इनकम सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम है या उनका कोई फॉर एग्जाम्पल होटल चल रहा है उसके थ्रू उनको फिक्स्ड इनकम आ रही है, तो ऐसे लोग D7 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक तरीका हो सकता है पुर्तगाल का PR प्राप्त करने का और सब्सिक्वेंटली पुर्तगीज पासपोर्ट प्राप्त करने का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ पुर्तगाल के D7 वीजा के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हफ्ते पहले मुझे एक फोन आया दुबई से, एक इंडियन कपल का जो 60s में है, और उन्होंने मुझे बताया कि वो पुर्तगाल जा रहे हैं D7 वीजा पे। इसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने और भी कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे D7 वीजा पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल्स बता सकूँ D7 वीजा के बारे में। देखिए, जो D7 वीजा है, इट इज कॉल्ड वीजा फॉर सीनियर सिटीजन्स और फॉर दोज हु हैव इनकम फ्रॉम रेंट, पर्सनल रेवेन्यूज है जिनके, या जिनका जैसे रेंटल इनकम है, पेंशन है, तो ऐसे लोगों के लिए D7 वीजा है। D7 वीजा मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा जो 20s में है या 30s में है, लेकिन हाँ, अगर आप 30s में हैं और आपका रेंटल इनकम है और वो उस पैरामीटर को मैच करता है जो पुर्तगाल में चाहिए, तो ठीक है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनकम की बात करें, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनकम कितनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक जना है तो आपको इनकम शो करनी पड़ेगी 7200 यूरोस पर एनम, इतना आपके पास अवेलेबल है। अगर आप एक जना प्लस सपोज करिए आपके स्पाउस है, तो आपको उनके लिए 3600 यूरोस एडिशनल दिखाने पड़ेंगे। उसके अलावा एक और जैसे डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसके लिए 2160 यूरोस दिखाने पड़ेंगे। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हर साल आपके पास जो रेंटल इनकम है या पेंशन इनकम है या किसी और सोर्स के थ्रू, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू इतनी इनकम आती है, बट कम से कम 7200 यूरो एक पर्सन के लिए, इतना आपको चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स भी बताना चाहूंगा। सपोज करिए कि आप D7 वीजा पे पुर्तगाल पे सेटल होना चाहते हैं, तो मैं पहला रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पुर्तगाल होके आइए विजिटर वीजा पे। ये देखिए कि पुर्तगाल कैसी जगह है और क्या आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि जब आप D7 वीजा के लिए अप्लाई करेंगे अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या नेपाल से, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आप पुर्तगाल गए और आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे रहने के लिए एंड यू आर इंटरेस्टेड इन रेजिडेंस परमिट ऑफ दैट कंट्री, यानी आप वहाँ पे रहना चाहते हैं लंबे समय पे के लिए और आप ऑलरेडी जा चुके हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहला स्टेप है, पुर्तगाल हो आइए और वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल लीजिए और वहाँ का NIF नंबर यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ले लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आप प्रूफ कर सकेंगे कि आपके पास पुर्तगाल में पैसे हैं, क्योंकि देखिए आपका अपनी कंट्री में पैसा होना एक चीज़ है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस पैसे को पुर्तगाल ले जा पाएंगे। तो होता क्या है, अगर आप ऑलरेडी बैंक में एक डिपॉजिट शो कर सकते हैं तो उसके बड़े फायदे होंगे जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। ये जरूरी नहीं है, बट इट इज जस्ट रिकमेंडेड, ये मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे भी ये नहीं है कि आपको ऑलरेडी बैंक अकाउंट खोल लेना है या NIF नंबर होना चाहिए, बट ऐसा रिकमेंडेशन, उससे ये सीरियसनेस दिखेगी और ये भी प्रूव हो जाएगा कि आपके पास जो फंड्स हैं वो पुर्तगाल में अवेलेबल हैं, ना कि सिर्फ आपकी अपनी कंट्री में। उसके बाद देखिए, जब आप ये D7 वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक रीज़न दीजिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं। सो आई वुड रिकमेंड राइट अ लेटर एक्सप्लेनिंग कि आपके रीजंस क्या हैं D7 वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आमतौर पे वही हैं जो चाहिए होते हैं और वीजाज के लिए लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जाम्पल PCC चाहिए होगी आपको, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 साल का ITR चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए,
आपको इंडिया से, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया पे फोकस कर रहा हूँ, फोटोग्राफ्स चाहिए, आपको अपने हर डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। और सपोज करिए आप अपना स्पाउस को भी अप्लाई कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, या बच्चा भी है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो D7 वीज़ा होता है ये 4 महीने के लिए मिलता है, और इस वीज़ा पे आप पुर्तगाल आके इसको रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपका 4 महीने का समय होता है, आपको एक बार ये वीज़ा मिल जाता है आप इस पर पुर्तगाल आइए, जो लोकल सेफ का ऑफिस है वहाँ पे जाइए और अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपने पहले ही NIF लिया हुआ है यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आपको यहाँ पे एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप पुर्तगाल में बैंक अकाउंट और वहाँ का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बिना पुर्तगाल जाए भी ले सकते हैं, इस बारे में हम एक और वीडियो करेंगे। तो अगर आपके कोई और सवाल है D7 वीज़ा के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगर कुछ और आपको लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।